राइए के हाल चाल था तेरे राजी खुशी। तो फिर मैं तारा अपना छोटा भाई बड़ा भाई हरीश राम राम के साथ शुरू कर अपना एक्सरसाइज जो 8.2 है अपनी, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि उसमें चीज की है, उसमें ले देखे तो अपनी जो 8.2 एक्सरसाइज है उसके अंदर ले देखे अपना दर एक चीज है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यानी जो मैं आपको समझाऊंगा ना, एक टेबल बनेगी अपनी, तब ना मैथ्स में देख भी लिया होगा, एक टेबल बनेगी तो वह टेबल की है, वह टेबल अपनी पूरी की पूरी 8.2 में भी यूज होगी, ठीक है। और चैप्टर नंबर जो 9 है अपना, ठीक है, उसमें भी टोटली यूज होगी। चैप्टर नंबर 9 यानी पूरा का पूरा इस टेबल के ऊपर बेस होगा, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो इसका मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से रेशियो, जैसे अपन 8.1 करी थी, अपन क्या लिखना थे उसमें, उसमें लिखा था अपन साइन थीटा है नहीं, यानी फिर साइन ए कुछ एंगल दिया मिला करता। अब इसमें क्या है कि वैल्यू कुछ स्पेसिफिक कुछ दिया मिला करता, अपन दी ए दे दिया, थीटा दे दिया, इस तरह चीज अपन दे मिला कर दी बिल्कुल मिला कर दी। तो अब की परिस्थिति क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अपन स्पेसिफिक कुछ एंगल दिए हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे दिया साइन 0, ठीक है, नहीं 0 हो सका है, 30 हो सका है, 45, 60 और 90, तुम्हारा है ये सिर्फ 5 एंगल, सिर्फ 5 एंगल के जो रेशियो है, जो वैल्यू है भाई, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो है, 30 डिग्री कितनी हो है, इन डिग्री की वैल्यू कितनी हुआ है, साइन 30, साइन 45, इनकी वैल्यू आपने याद करनी है, ठीक है। ठीक है, तो तुम्हारा सिर्फ ये 5 तक वैल्यू सारा की, साइन की भी, कोस की भी, टेन की, कोसेकेंट सेकेंट और कोट की भी, सारा की 5-5 वैल्यू कुल होगी, इतनी होगी 6 5 30। तो ये 30 वैल्यू अपने याद करनी है भाई जी, इतनी सारी वैल्यू याद तो कुछ नहीं होगी करा ना मेरे यार, तुम टेबल में बना दो चुटकिया में, बस वीडियो जान देख ली हो। अब देखो तारा से 10 मिनट में 5 तक वैल्यू है, 0 30 60 45 और 90, ये 5 वैल्यू है, ठीक है। हमने सिर्फ ये 5 वैल्यू याद करनी, 11वीं में जाके तारा का वैल्यू और आज का है, ठीक है। तो निकाला देखो, अयो देखो मैंने एक टेबल बनाई है यार, अरे इस टेबल में इतनी वैल्यू दे रखी है सारे, जो भी खाली जहां दिखने लग रही है अपन इसमें वैल्यू भरनी है, इतनी सारी जी कुकर याद करांगे है नहीं, है तो तकड़ी है पर कोई बात को नहीं। अब देखो गिनती आंदी होगी 4 तक है, जीरो शुरू हो गए, 0 1 2 3 4 आंदी होगी 4 तक, बस भी तो देखो नीचे के लिख दें 4 लिखाएंगे आप, याद रखिए बस 0 बटे 4 का अंडर रूट, पूरा बाद में 0 के बाद 1, फिर 2 फिर 3 और फिर 4। ट्रिक है गण की, ये चीज हमें पता की नहीं, पूरी पूरी टेबल बना दोगे तो हमें पक्की कहूं माँ की सुन ले, ठीक है। ध्यान देखियो के लिखोगे 0 1 2 3 4, सबके ज्वाइंट में कितना 4। अब देखो वैल्यू लिखोगे 0 के नीचे कितना है 4, अब 0 के डिवाइड में कुछ भी हो, 0 के डिवाइड में कुछ भी हो वो के बन जाया कर है 0, और 0 का अंडर रूट करेंगे आप स्क्वायर रूट निकालेंगे वो कितना हो जाएगा 0 आगे वैल्यू। अब क्या अगला 1/4, 1/4 का अंडर रूट है, अब देख देखो नहीं है, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 किसका स्क्वायर रूट हो है 2 का, तो कितनी आगे इसकी वैल्यू 1/2। अगला कितना है 2/4, कितना है नहीं, 2 1 2 2 2 4, कितना आया 1/2, 1 का स्क्वायर रूट कितना हो है 1, और 2 किसे का अंदर को नहीं, तो क्या आ जाएगा √2, कितना आ जाएगा 1/√2। अब कितना है √3 का नीचे कितना है 4, कौन कटते 3 किसका है, और किसे का स्क्वायर रूट नहीं, तो जगह अंडर रूट 3, और 4 किसका है 2 2 4, यानी कितना को है 2 को है, तो कितनी आ गई अंडर रूट 3/2। अब देख उधर रह गया 4/4, 4 से 4 कट गया कितना आया 1, अरे किसका हुआ है 1 का ही हुआ है, तो वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई वैल्यू, बन गई पहली लाइन है, समझ आ गया, बढ़िया लग गया, लाइक कर दे वीडियो ने, भेज दो और अभी और भी देख लेंगे। तो क्या करना देख, 0/4 था, 0/4 था नहीं, 0 के नीचे कुछ भी हो के बन जाया करे 0, के था अंडर रूट, 0 का अंडर रूट कितना आया करा है 0 आया करा है, बाद में क्या था 1/4, 1 किसी का स्क्वायर रूट होता को नहीं,
सॉरी एक किसको आवे, एक का ही है, तो एक आ गया। चार किसको आवे है, दो का, तो एक बुटे दो, दो बुटे चार था, दो एक कम दो दूनी चार, एक बुटे दो, एक एक का ही है, दो से का स्क्वायर होता कौन, तो सिंपल सी बात है क्या बन गया, अंडर रूट दो ही आ जाएगा। नौ तीन बुटे चार है, तीन कैसे का होता कौन, चार हो है दो का, तो अंडर रूट तीन बुटे दो आ गई, और चार बुटे चार था कट गया, कितना आ गया एक, तो एक आ गया, आ गया। अब देख कोस की ओर निकालनी है, कोस खाते क्या करेंगे, अब होता है नहीं, इसने इसकी पुंजरी पकड़ी और पल्ला गाना लिख दिया, उल्टी लिखनी शुरू कर दी इसने, पहली उल्टी पूरा एक पूरा या इसके नीचे या आ जाएगी, या लिख देंगे उरे और या लिख देंगे उरे, समझ आ गई, या लिख देंगे उरे, या लिख दी उरे, या आगे नू नू, मतलब ये नू है नहीं, इसने उल्टी करके लिख दिया आपने, आगे कोस की वैल्यू भी आगे दो वैल्यू, अरे शाबाश साहब, ठीक है अब इसने रफ कर दिया आप, क्योंकि देखा अपन आगे भी निकालनी है। अब जो चीज बताऊंगा नहीं वो फॉर्मूला है अपना, एक तरह से जो तारा काम भी आओ आगे, ठीक है। अब किसकी निकालनी है, टेन की निकालनी है अपन, टेन का फॉर्मूला क्यों आकर काम आओ आगे, सिंपल सी बात है कि टेन ए वो आकर साइन ने भाग कर दो किसते कोसते है, अब तुम और देख लो जीरो का डिवाइड में कितना है एक, अब थोड़ी देर पहले बताया था जीरो के बजाय में कुछ भी हो वो रकम के बन जाया करे है जीरो, के बन जाया करे है जीरो, आगे वैल्यू इसकी भी। अब इसने इससे भाग करांगे, एक बटे दो ने भाग करोगे अंडर रूट तीन बटे दो तय, दो तय दो कट गया, ऊपर के बचा एक और नीचे के बचा अंडर रूट तीन बन गया। अब इसने इससे भाग करेगा, वन बाई अंडर रूट टू ने वन बाई अंडर रूट टू तक भाग करांगे, ये हिस्सा कट गया, कट गया के बचे अपन करे एक बच गया, इसने इससे भाग करेगा क्या करेगा, अंडर रूट तीन बचा में दो बचा में एक बचा में दो, दो तय दो कट गया, ऊपर के बच्चा अंडर रूट तीन, नीचे के है एक, लिखो या ना लिखो नीचे तो एक कोई फर्क नहीं पड़ता। अब और देख एक बचा में जीरो, अब जब कोई भी नंबर हो कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो अगर उसका डिवाइड में क्या है जे जीरो है जे, क्या है जे जीरो है जे, तो आप उस चीज में डिफाइन कौन कर सकते, तो यानी उसका रिजल्ट जो है नॉट डिफाइन है, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता कि उसकी वैल्यू क्या आएगी, इसलिए यहां लिखेंगे नॉट डिफाइन, यानी इसकी वैल्यू को डिफाइन नहीं किया जा सकता। संभागी बात क्या पक्की, तीन वाइन संभागी मांगी थी पहली साइन वाली, बाद में उल्टा लिख दिया, इसका डिवाइड में यू है लिख दिया, डिवाइड में यू है इसका डिवाइड में यू, इसका डिवाइड में यू, इसका डिवाइड में यू, समझ मांगी। अब जो मेरी वीडियो चैप्टर की स्टार्टिंग देखने लगने है नहीं वो आप गाड़ी चीजें आराम से समझ जाएगा, क्योंकि जितनी मैंने वीडियो बनाई है 14-15 वीडियो होगी पहला, उन हर एक अंदर बताऊं था मैं कि देखो एक चीज बनाया करते आप पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर बोले बोलिया करता बोलिया करता नहीं मैं करके बताया करता क्या बताया करता कि पहली चीज हो है साइन फिर हो है कोस फिर हो है टेन वह नहीं अब मैं क्या करता भी साइन का उल्टा पूरा क्यों है कोसिकेंट और कोस के नीचे क्यों होया करता सेकेंट है टेन के नीचे क्यों होया करता कोट क्या बात बताया करता नहीं तो इस कारण में दो काम पाया करते इकट्ठे अगर तरह यह चीज याद होगी नहीं अब अगली याद टेबल है तीनों वैल्यू तो नू याद हो जाएगी किस तरह साइन का उल्टा क्या है कोसिकेंट यानी साइन ही हो रहा इसका उल्टा इसका उल्टा इसके नीचे एक इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपना कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं देखो मैं कह रहा हूं साइन का उल्टा क्या है कोसिकेंट है साइन का उल्टा यानी जो वैल्यू है इसका उल्टा कर जाएंगे अब जीरो बटे एक है अगर मैं इसका उल्टा करूंगा तो क्या बन जाएगा एक बटे जीरो एक बटे जीरो बन जाएगा अब इसके डिवाइड में क्या आ गया जीरो आ गया डिवाइड में जीरो आ गया तो आप इस चीज में डिफाइन नहीं कर सकते तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी नॉट डिफाइन आ जाएगी बहुत बढ़िया अब देखो इसका उल्टा करेंगे तो दो बटे में एक एक नीचे लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता इसका भी उल्टा कर देंगे क्या बन जाएगा अंडर रूट दो इसका भी उल्टा कर देंगे ये बन गया ठीक है एक का नीचे कितना एक है उल्टा की में कर दो कितना रहोगा एक रहोगा रहोगा ठीक है नहीं अब कोस ठीक है किसका उल्टा हुआ है कोस का तो इसका नीचे कितना एक है एक बटा एक का नीचे एक जो कि बन जाएगा दो बटी अंडर रूट तीन जो कि बन जाएगा अंडर रूट दो जो कि बन जाएगा दो इसका नीचे कितना है
एक, तो एक बटे जीरो फिर से क्या बन जाए, देखो जीरो बटे एक है इसका उल्टा क्या बन जाएगा, एक बटे जीरो यानी क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइन है नहीं, यानी इसको डिफाइन नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, बहुत किसका उल्टा हुआ है, टेन का, किसका, टेन का, नीचे के है एक वही बात है, जीरो बटे एक है उल्टा करेंगे क्या बन जाएगा, एक बटे जीरो, यानी इसको भी फिर अपन नॉट डिफाइन, यानी इसको भी डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है नहीं। अब इसका उल्टा करेंगे क्या बन जाएगा, अंडर रूट तीन, एक का नीचे कितना है एक, इसका उल्टा करेंगे कितना बन जाएगा, एक के होगा। अब इसका नीचे कितना है, एक है, इसका उल्टा करेंगे एक आ जाएगा ऊपर, अंडर रूट तीन आ जाएगा नीचे। अब नॉट डिफाइन की वैल्यू थी, नॉट डिफाइन क्या थी अपनी, एक बटे जीरो थी, नॉट डिफाइन है एक बटे जीरो थी, इसका उल्टा करूंगा तो क्या बन जाएगा, जीरो बटे एक। अब जीरो के नीचे कुछ भी हो क्या आ जाएगा, जीरो। बन गई टेबल पूरी, अरे बन गई होगी, समझ आगी किस दिन बनी है? बाकी टेबल तो हम खुद हंजो का मैंने बनाई है, बना बना देख लियो ठीक है, वीडियो दोबारा देख लियो, बाकी ट्रिक आसान है आराम से कर सको, किसी का याद नहीं होती हो भाई बनानी आएगी हो भाई किसी ने, हाँ भाई ठीक है जी वैल्यू याद नहीं होती, लेकिन टेबल बनानी जरूर आवे है। तो पेपर हम क्या करोगे, पेपर हम इनका क्वेश्चन पक्का आवे है, चौप सुना मैं जियो कन्या अच्छी किस्मत हुई तो दो तीन नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा ठीक है नहीं। इसका नहीं याद होती तो क्या करूँ, स्टार्टिंग में पेपर मिला है अपना दी, सीट मिला है, आंसर सीट मिला है, पेपर तक कोई 10-15 दस एक मिनट पहले अपना दी सीट दे दे है, तो उसमें स्टार्टिंग में अपना रोल नंबर वगैरह जो कुछ फिल करना है, फिल करने के बाद लास्ट लास्ट पेज हो अपना रफ पेज, तो उसको अपनी एक टेबल है नहीं पहले बढ़ा लो, ताकि क्वेश्चन आओ तो देख देख के वैल्यू ने फिल कर सका ठीक है नहीं। तो ये टेबल देख लो, इस टेबल के बिना तारा का काम चले चले को नहीं, बिल्कुल भी कौन चल रहा है, चैप्टर नंबर 8 में तो 8-5-2 में चल रहा है कोई ठीक है नहीं, अगर हम चल जाए केवरा, लेकिन जो चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 है उसके अंदर टोटली ये वैल्यू टेबल अपनी यूज होगी, अरे तुमने करनी ही करनी पड़ेगी, काम को नहीं चल रहा है ठीक है। तो फिर अपना इसी के साथ अपना जो आज की वीडियो अपना बंद है, वीडियो सुन में आ गई हो टेबल याद होगी हो तो वीडियो ने लाइक कर दिया, शेयर कर दिया दोस्तों द्वारा, शेयर कर दिया ग्रुप में, तो फिर मिला आप अगली वीडियो में, तब तक के सारे भाई हैं राम राम।